जितना टाइम पास करते हो ना बेटा, जिस समय तुम पढ़ नहीं रहे हो ना, उस समय कोई पढ़ रहा है। जब जिस समय तुम्हें लगता है ना कि यार छोड़ कल देख लेते हैं, उस समय कोई बैठा हुआ है पिछले 10 घंटे से पढ़ने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, उसका रिजल्ट निकलेगा, तेरा क्यों निकलेगा? तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ, ठीक है? नेवर लाई टू योरसेल्फ, अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। और ये दिखावे की दुनिया में जीना बंद करो। सबको अपनी औकात पता होती है, समझ रहे हो? सबको, आपको, हर एक स्टूडेंट को पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है उसको कितना आता है, उसको कितना नहीं आता है, पता है कि नहीं सबको? तो स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ यार। अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, अच्छा सोचो, इम्यून अच्छा रखो अपना। बॉडी बीमार पड़ जा रहे हो, एग्जाम वाले दिन बीमार पड़ गए तो इम्यूनिटी नहीं है तुम लोगों के पास यार। इतनी क्या बीमारी आ रही है भाई, इतनी क्या आ रही है? तुम्हारे से तो खराब खान पान मेरा है, स्टिल सुबह से शाम तक पोटेंशियल एनर्जी एकदम हाई रहती है। तो भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना, ये हरकतें बंद करें यार आप लोग, है ना? आप लोग पढ़े बेटा, इत्मीनान से पढ़े, आपके पास समय नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपने डिसीजन जिस चीज के लिए ड्रॉप लिया था वो आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर वो काश ही रह जाएगा, काश कर लिए होते। दिस इज पीक टाइम टू फाइट मैन। जब रात में तू बैठ के पढ़ रहा होता है ना, जब तेरे अंदर से ईमान खत्म हो जाता है कि नहीं भाई अब नहीं करना मुझे, अब रहने दे, उस समय तेरे को पुश मारना है, उस समय तुझे और बैठना है, नहीं भाई मुझे ये करना है। ये जब चीज है ना, जब ये एक्यूमुलेट होंगे ना, तब तेरे को एक रिजल्ट देती है। जब हार मान रहा हूं कि नहीं यार ये चैप्टर नहीं आता, चैप्टर छोड़ देता हूं मैं, बाकी करता हूं, उस समय वो चैप्टर पढ़ना है, तब आपको जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। ये सोचो कि हम जब प्लानिंग करने आते हैं, जब हम शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो हमारे दिमाग में रहता है भाई सब चीज करेंगे, सब चीज करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है हम कंस्ट्रेंट होने लगते हैं, अरे हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, ये कर। पता क्यों? क्योंकि जो मूल्यवान समय था ना प्रिपरेशन करने का, वो आप धीरे धीरे खोते जा रहे हो। आपकी बुद्धि पाइपलाइन में नहीं है, आपकी बुद्धि स्ट्रीमलाइन में नहीं है। बता रहा हूं, आउट देयर इज नॉट अ गुड वर्ल्ड। सब यही पूछेंगे तूने उखाड़ा क्या जीवन में। मेक श्योर जब वो पूछे तो तुम्हारे पास एक वजह है, ये किया है मैंने। समझ रहे हो? तो बेटा ये हाई टाइम, हाई टाइम, अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी बेटा, तो आई फील पिटी फॉर यू। क्योंकि पता है क्या है? क्योंकि आप कुछ और भी तो अच्छा नहीं कर रहे ना। आप मेरे पास आके बोलते सर मुझे पढ़ने मन नहीं लगता, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं सिंगिंग सीख रहा हूं, या मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे को इसी में करियर बनाना है, मैं तुरंत बोलता हां भाई तू वहीं जा। आप ये सोचो आपकी स्किल सेट क्या है। इट्स नॉट अबाउट स्टडीज, आई एम टेलिंग यू, इट्स अबाउट स्किल सेट्स। आप और कोई स्किल सेट डेवलप नहीं कर, और स्किल सेट इस उम्र में डेवलप नहीं होती आइदर, और आप बहुत कम उम्र से चीज कर रहे हो। आप जब कॉलेज में जाओगे, आप जब बड़े, देखो ऐसा नहीं है कि कॉलेज में गए तो कहानी बदल गई, नहीं, वहां पे भी आपको स्किल सेट डेवलप करनी है, बट मेक श्योर ना प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हो जहां पे आपको उस स्किल सेट की वैल्यू हो। समझ रहे हो मेरी बात? चीज के लिए करो ना यार, है ना? तो ड्रीम 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 इज ओके, ठीक है? आपका एक कोई ड्रीम है, ये तो मैं इस कॉलेज में पढ़ू, इट्स ओके, लेकिन उसके लिए आज कर क्या रहे हो पहले ये तो पूछो। बच्चे ये तो सोचो, खुली आंखों से सपना देख बेटा एपीजे अब्दुल कलाम, बंद आंखों से नहीं, और एल्स प्रिपरेशन।
जाकर देख लीजिए सीरियसनेस नहीं आ रही है, फाइट मारो जितने जल्द, टाइम लो ना टीचर से, यार तुम लोग दो लौटने आते हैं आके बोलते हैं अरे सर ये वाली चीज तो सर इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो सर, केमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, क्यों छोड़ देता मैं, देखो पता है कितना नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, 225 नंबर के लिए आओगे तो कोई गारंटी नहीं है 99% नहीं लाएंगे, दिस इज द कॉम्पिटिशन माई फ्रेंड, पता नहीं क्या ही आपको लग रहा है, बेटा 70 लौंडों की क्लास है ना, बाहर तुमसे लाख टाइम्स लोग बैठे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, चीजें बेटा इतनी हलवा होती ना तो सब पा गए होते, कुछ रातें कुर्बान करनी पड़ती है मेरे भाई, कुछ बड़ा पाने के लिए, कुछ सपने जो आपने देखे उसको पाने के लिए आपको खुद को जलाना पड़ेगा, चाहे आपको कुछ भी बनना, अगर आप खुद को नहीं जला रहे हो इस वक्त पे तो समझ लो आपको मंजिल नहीं मिलने वाली, मैं बहुत हार्श रूट बोलता हूँ बेटा ना, मैं सीधी बात करता हूँ, तीन पांच करना आता नहीं, सीधी सी बात है, कॉम्पिटिशन बहुत तेज है, नहीं पड़ेगा घर जाके शूटली पे शूटिंग कर, एक साल बाद भी वहीं खड़ा रहेगा,